वेलकम बैक टू माय चैनल। और साथियों, आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। और साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे कॉइन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता कॉइन है, और अगर आप इस कॉइन को बाय कर लें तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। तो जो कॉइन का नाम है वो, उसका मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इस कॉइन को जो कि एलन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर एलन मस्क जी इस कॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा आने वाले टाइम में। अभी तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हम चलते हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर। और साथियों, आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए, पूरा इसलिए देखिए और इस कॉइन को, क्योंकि इस कॉइन को कैसे बाय करना है मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक एक किसी भी एक्सचेंजर के ऊपर एक कॉइन लिस्टेड नहीं हुआ है, सिर्फ अभी एक ही एक्सचेंजर के ऊपर लिस्टेड हुआ जो कि पैनकेप स्वैप है। और वहाँ से आपको कॉइन बाय, वहाँ से कॉइन आपको स्वैप करना पड़ता है। वो जो भी, मतलब कि जितने भी नए साथी हैं उनको पता नहीं होता कि कैसे कॉइन को स्वैप करना है और कैसे बाय करना है, कैसे फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है, और कैसे आप इस कॉइन को किस में ख़रीद सकते हैं। सिर्फ आप इस कॉइन को ट्रस्ट वॉलेट के अंदर ही स्वैप कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए। तो साथियों, ये रही जो वेबसाइट है, ठीक है, ये जो वेबसाइट है bife.com, यानी कि डॉजी कॉइन की जो बाइफ है वो भी आ चुकी है आपके सामने। यहाँ पे देख सकते हैं डॉजी कॉइन की बाइफ है, ये डॉजी कॉइन है, ठीक है। और यहाँ पे एक गुड न्यूज़ भी लग रही है साथियों की, और यहाँ पे जो इसकी कीमत रहेगी 1 bife.com = 1 dogecoin, ठीक है। और यहाँ पे दोनों का, मतलब कि आप कह सकते हैं हस्बैंड वाइफ दोनों हो चुके हैं अभी, और ठीक है। और इनका जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे लॉकर भी है, ठीक है। यहाँ पे स्लिपेज है, जब आप इस कॉइन को ट्रस्ट वॉलेट के अंदर स्वैप करेंगे तो आपको यहाँ पे 12% आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और आप यहाँ पे पैनकेप स्वैप में स्वैपिंग कर पाएंगे इस कॉइन की। और साथियों, आपको सिर्फ करना कुछ नहीं है, मैं आपको इसमें पूरा प्रोसेस बताऊँगा आपको इस कॉइन को बाय कैसे करना है, ठीक है, बाय कैसे करना है और आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट होगा, तो आपको सेल कैसे करना है। यहाँ पे देखिए कुछ अपडेट है, यहाँ पे सेफ ऑटो फार्मिंग है, ठीक है। और यहाँ पे होल्डर्स अर्न पैसिव रिवार्ड थ्रो स्टैटिक रिफ्लेक्शन एज दे वॉच देयर बैलेंस ऑफ बाइफ डॉजी ग्रो इंडी इनडेफिनेटली। लॉक लिक्विडिटी है 2% पर ट्रांजैक्शन। सो यहाँ ठीक है, बर्न यहाँ पे देखिए गाइस, यहाँ पे देखिए एलन मस्क होल्डिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, आप लोग इसको स्टडी कीजिए, पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ कि एलन मस्क होल्डिंग रिजर्व 5% ऑफ द टोकन्स फॉर एलन मस्क, गिव इट्स टू हिम एट द राइट टाइम, अदरवाइज द 5% ऑफ द टोकन विल बी फॉर एवर लॉक्ड। यानी कि जो 5% टोकन है वो एलन मस्क जी ने होल्ड करके रखे हुए हैं, ठीक है। और अभी आपके पास राइट टाइम है बाय करने का, नहीं तो वो जो 5% कॉइन है वो जो लॉक हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चैरिटी वॉलेट है, और यहाँ पे डॉजी गुड वाइफ है। यहाँ पे देखिए, आप इसको पूरा तरीके से स्टडी कर सकते हैं, इस कॉइन को बाय कैसे करना है इसका प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। और अब बात करते हैं इसकी सप्लाई कितनी है। तो सप्लाई काफ़ी ज़्यादा, एक बहुत ही बड़ी सप्लाई यहाँ पे 747 क्वाड्रिलियन, बहुत ही ज़्यादा हो जाती है साथियों, काफ़ी ज़्यादा सप्लाई है। और यहाँ पर देखिए मेक मनी ऑटोमेटिकली, और यहाँ पर देखिए बाय बैक एवरी वीकेंड एंड बर्न, यानी कि हर वीक में एक कॉइन को बर्न करते रहेंगे। और 5% ऑफ इस ट्रांजैक्शन रिवार्ड, आप इस कॉइन में जितनी बार भी ट्रांजैक्शन करते हैं, बाय सेल करते हैं, आपको 5% रिवार्ड के तौर पे मिलता रहेगा, जितना भी आपकी क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आई थिंक, ठीक है। तो 5% ऑफ इस ट्रांजैक्शन एड लिक्विडिटी, और यहाँ पे 12% स्लिपेज है। इस कॉइन को जब बाय करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन होता है स्लिपेज को, वहाँ पर आपको 12 रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये बाइफ डॉजी बाइफ यानी कि, ठीक है, और यानी कि डॉजी कॉइन की बाइफ यहाँ पे आ चुकी है, और इनके बच्चे भी आएंगे आने वाले टाइम। यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे ब्यूटीफुल पिक्चर बना के रखी हुई है, ये डॉजी कॉइन है, डॉजी कॉइन की वाइफ है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना सारा मेकअप यहाँ पे करके रखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए डॉजी कॉइन की वाइफ है, इनके समझ लीजिए फादर ही समझ लीजिए डॉजी कॉइन को, जो एलन मस्क है वो सपोर्ट कर रहे हैं। एलन मस्क डॉजी एंड वाइफ डॉजी, ठीक है, वाइफ डॉजी फैमिली, ठीक है। आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं और आपको शानदार प्रॉफिट आपको यहाँ पे देने वाला है। ए वाइफ डॉजी रोड मैप, यहाँ पे कंपनी का रोड मैप दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं वेबसाइट के ऊपर, आप जो इसकी वेबसाइट है
vibrowser.com इसकी वेबसाइट है, यहाँ पे इसके विजिट करके आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। और जो इसके पार्टनर्स हैं वो यहाँ पे कहाँ कहाँ पे लिस्टेड हो चुका है, कॉइन मार्केट के ऊपर है, कॉइन जैक के ऊपर है, पेन के स्वैप पर आपको यहाँ से स्वैपिंग कर सकते हैं। इस कॉइन की मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं। पोकॉइन के ऊपर है, FBSC स्कैन के ऊपर, यहाँ पे भी आप मैं बताने वाला हूँ इसके होल्डर कितने हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉइन मार्केट कॉल के ऊपर भी है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि उसके ऊपर लिस्टेड हो चुका है, जहाँ पे आप डॉजी कॉइन का प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इनके ट्विटर पेज को फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो हम चलते हैं अभी जो कि यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो सप्लाई है वो कितनी है, इसके ऊपर हमने क्लिक कर चुके हैं। साथियों वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी तो आप लोग इस वीडियो को पूरे देखिए, और इस कॉइन को आपको ख़रीदना कैसे है वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका प्राइस कितना हाई गया था, किस कब से स्टार्ट हुआ है, वो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके जो होल्डर्स हैं वो 11,704 इसके होल्डर हो चुके हैं, और काफ़ी पर डे इसके होल्डर भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं हम कॉइन मार्केट के ऊपर। कॉइन मार्केट के ऊपर जाने के बाद इसके हम प्राइस की बात करते हैं, कितना यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी शानदार ग्रोथ यहाँ पे बता रहा है। यहाँ पे देखिए कितने जीरो लगे हुए, काफ़ी ज़्यादा सस्ता कॉइन है। अगर आप इसको एक रुपये का भी बाय करते हैं तब भी करोड़ों कॉइन आएंगे, और $1 का बाय करते हैं तब भी बिलियंस में कॉइन आएंगे, और आप $10 का बाय करते हैं तो ट्रिलियंस ऑफ में कॉइन आने वाले आपके पास। और हो सके तो आप इस कॉइन को $1 से लेकर $10 के बीच में आप इस कॉइन को बाय कर सकते हैं, और जब भी प्राइस हो सकता है आप हम लोग बाय करेंगे तो इसका धीरे धीरे प्राइस भी बढ़ेगा। और अभी 470% की ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। जो इसका जो लोएस्ट प्राइस है, इसका जो 0.1001 से स्टार्ट हुआ था, और अभी जो इसका प्राइस चल रहा है यहाँ पे 0.1003 पे इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है। और चलते हैं अभी जाते हैं हम फ्रेंड्स इस कॉइन को बाय करने के लिए आपको चार चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। पहला है ट्रस्ट वॉलेट, इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट वॉलेट, ठीक है। आपको ट्रस्ट वॉलेट को डाउनलोड करना है, उसके बाद आपने जो भी न्यू पर्सन है वो सुन लीजिए पहले बात, और जो ओल्ड पर्सन है उन्होंने शायद किया भी होगा, नहीं किया होगा कोई बात नहीं कर लेंगे। और यहाँ पर बजरस्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि INR में हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा, और बाइनेंस की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इन आपको तीन वॉलेट की यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट आपको ज़रूरी है, ट्रस्ट वॉलेट आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, और बजरक्स बाइनेंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके KYC करके और बाइनेंस के ऊपर बजरक्स INR में डिपॉजिट करके और वहाँ से USDT को बाय करके बाइनेंस और बजरक्स को कनेक्ट करके उसके बाद आप बजरक्स से बाइनेंस में फ़ंड ट्रांसफ़र करके और उसके बाद आपको क्या करना है बाइनेंस के ऊपर आपको जो कॉइन है BNB कॉइन को बाय करना है, ठीक है। BNB कॉइन को बाय करना है बाइनेंस के ऊपर, सुन लीजिएगा। बाइनेंस को आप जितना भी कॉइन को बाय करना चाहते हैं आपको बाय कर लेना, अब मैं आपको बाय करके बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं बाइनेंस के ऊपर सबसे पहले। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बाइनेंस के एप्लीकेशन के ऊपर हम आ चुके हैं, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर आने के बाद आपको जैसे आपके पास फंड आ जाता है, यहाँ पे देखिए मैं वॉलेट के ऊपर मैंने क्लिक किया है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद स्पॉट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए मेरे पास USDT पड़े हुए हैं, मेरे पास 11 USDT पड़े हुए हैं। उसके बाद मैं मार्केट के ऊपर जाऊँगा, मार्केट के ऊपर मैं BNB को बाय करूँगा, ठीक है। जो ये BNB यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं बाय करने वाला हूँ आप लोगों के सामने। इसको बाय करने के बाद आपको इसको ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर कैसे ले जाना है वो भी आपको प्रोसेस में करके बताने वाला हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो BNB है बाय हो चुका है, हम फिर से वॉलेट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि हमारा BNB बाय हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास BNB आ चुका है 0.023, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास मैंने $10 का BNB बाय किया था, और यहाँ पे आप भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप विड्रॉल कैसे करना है, इम्पॉर्टेंट बात है आपको ट्रस्ट वॉलेट में बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे फ़ंड को ट्रांसफ़र करना है, तो आपको विड्रॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है, और जो ट्रस्ट वॉलेट में BNB का एड्रेस है उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर और वहाँ से BNB के एड्रेस को कॉपी करते हैं, फिर आते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन को दोबारा से, और आपको ट्रांसफ़र कैसे करना है मैं सारा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ।
फ्रेंड्स हम आ चुके हैं टेस्ट वॉलेट की एप्लीकेशन को भी, इसमें अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसको भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको ये जो इसकी जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे यहाँ पे 12 वर्ड मिलते हैं, उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि क्या हो कई बार हमारा मोबाइल का रिस्टोर हो जाता है या गुम हो जाता है, कुछ भी हो जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो हम अगर वो आपके पास की रहेंगी तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के ऊपर, दोबारा से अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका अमाउंट होगा वो समझो वेस्ट हो गया। तो ये जो BNB है, कई बार कई लोगों के पास BNB शो नहीं करेगा, तो आपको इस जो लाइन है, दो लाइन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस लाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है BNB, ठीक है। ये स्मार्ट चेन वाला आपको BNB सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्मार्ट चेन वाला है इसको आपको ऑन कर देना है, दूसरे वाले को ऑफ कर देना है, ठीक है। इसको आपको ऑन करने के बाद आपको बैक आ जाना है, ठीक है। देखिए हमारे पास जो स्मार्ट चेन का जो यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है, आपको इसको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है सिंपल से, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए कि सेंड है, रिसीव है। हमको सेंड का मतलब होता है हमको किसको भेजना, और रिसीव का मतलब होता है हमको किससे लेना है। तो हम रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं और इस एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम चलते हैं बाइनेंस के एप्लीकेशन के ऊपर। तो आपको वहाँ से एड्रेस कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको बाइनेंस ट्रस्ट वॉलेट में फ़ंड इसलिए ट्रांसफ़र करना है क्योंकि अगर आप बजरेक से कोई भी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफ़र करते हैं तो फीस काफ़ी ज़्यादा लग जाती है। अगर आप बाइनेंस से BNB को ट्रांसफ़र करते हैं तो आपकी नॉर्मल सी फ़ीस लगेगी, यानी कि 0. यहाँ पे मैं एड्रेस को पेस्ट कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें फ़ीस कितनी लगती है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे BEP20 BSC शो होना चाहिए। अगर और कोई नेटवर्क यहाँ पे शो होता है उसको चेंज कर देना, ठीक है। एक तो आप जो भी एड्रेस कॉपी करते हैं वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए कि मिनिमम आप 0.01 BNB ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 0.023 है, तो मैं मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो फ़ीस है हमारी काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही कम नॉर्मल सी फ़ीस लगेगी। जो नेटवर्क फीस है 0.005 है। तो हम विड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बार एड्रेस दोबारा से चेकआउट कर लेते हैं, हमारा एड्रेस वो सही है कि नहीं है। गाइस हमारा एड्रेस पूरी तरह ओके है। फ्रेंड्स हम विड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंश्योर द नेटवर्क को, हाँ BEP20 BSC कन्फर्म को क्लिक करने के बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा और ईमेल आईडी के ऊपर एक OTP आएगा, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा और ईमेल आईडी दिया होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ, तो आपका सिंपल तरीके से बाय हो जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं OTP मोबाइल नंबर के ऊपर मेरा OTP आ चुका है, मैं इसको कॉपी कर लिया हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और देखते हैं जीमेल के ऊपर भी शायद मेरा OTP अभी नहीं आया हुआ है, तो मैं चलिए जीमेल के ऊपर जाता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास जीमेल के ऊपर भी OTP आ चुका, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं हम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं OTP डाल चुका हूँ दोनों, और उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे आप सबमिट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट सबमिट हो चुका है, सिस्टम प्रोसेसिंग में विड्रॉ रिक्वेस्ट सक्सेसफुली। यहाँ पे कुछ ही समय में हमारा जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली हो जाता है। तो हम चलते हैं ट्रस्ट वॉलेट के अंदर, वहाँ पे देखते हैं हमारा जो बैलेंस है वो आया कि नहीं आया, और कितना समय लगता है आने में वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम गाइस थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, फिर हम आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। गाइस वीडियो लंबा हो चुका है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, और आप लोग इस वीडियो को पूरे देखेंगे तभी आप इस कॉइन को बाय कर पाएंगे। और काफ़ी ज़्यादा सस्ता कॉइन है और हो सकता है इस साल 1 से 2 0 कम हो जाए, साथ ही तो आपको शानदार प्रॉफिट इसका मिलने वाला है। फ्रेंड्स एक और बात इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आप इस कॉइन को बाय करना है तो आपको इस BYBDOGE कॉइन का जो कि आपको एड्रेस चाहिए होगा, पैनक्रिप्स आपको पेस्ट करने के बाद तभी ये कॉइन शो करता है। तो हम चलते हैं फिर से गूगल के अंदर और वहाँ पर चलते हैं BYBDOGE.com की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर हम इस कॉइन का एड्रेस निकालेंगे, कॉपी करेंगे और उसके बाद वहाँ पर पेस्ट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि कॉइन मार्केट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जो BYBDOGE कॉइन की वेबसाइट है वहाँ पे देखें, सबसे नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पर पार्टनर्स के नीचे कॉइन मार्केट का ऐप दिखेगा, उसको आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से जो कि
ये वाला एड्रेस है, इसको कॉपी कर लेना है, बाइनेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, चेन। इसको आप अगर यहाँ से जो कॉपी का सिंबल है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉइन की है वो काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है गाइस, तो आपको फटाफट से इस कॉइन को बाय कर लेना है। और इस कॉइन को मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और फिर चलते हैं हम ट्रस्ट वर्ल्ड के अंदर। सो गाइस यहाँ पे देखिए हमारा कुछ जो अमाउंट है वो $10 हमने BNB को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया था, बाइनेंस से विड्रॉल किया था, और जो हमारे BNB है वो $10 के आ चुके हैं, यानी कि 0.023093 हमारे पास BNB आ चुके हैं गाइस। तो आपको भी इसी तरह विड्रॉल कर लेने हैं, और आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो भी आपको बताऊँगा। नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि स्मार्ट चेन में आपकी फ़ीस कटती है जब भी कॉइन आपको बाय करते हैं सेल करते हैं, तो यहाँ पर आपको आप जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे $10 का कोई कॉइन बाय करना चाहते हो, आपको $2 यहाँ पे छोड़ देने हो, बाकी जो $8 है वो कॉइन को स्वैप करना है। तो स्वैप कैसे करना है, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है स्मार्ट सॉरी DEX, इस कॉइन को आपको स्वैप करने करना है। कैसे करना है, तो आपको DEX के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर देखिए जो भी आपके पास कॉइन है, जैसे मेरे पास BNB स्मार्ट चेन वाला है, तो मैं यहाँ पर इस एरो के ऊपर क्लिक करता हूँ और BNB के ऊपर अब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, आपको भी इसी तरह करना है क्लिक। और BNB स्मार्ट चेन ये ब्लैक वाला लोगो, आप ब्लैक वाला इंटरफेस देख लीजिएगा, आपको इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये ब्लैक वाला एरो जो है, ठीक है, जो ब्लैक वाला एरो स्मार्ट चेन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, BNB के ऊपर आपको क्लिक नहीं करना, ठीक है, मैं स्मार्ट चेन के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऊपर वाला जो है जो आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करने के बाद, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और आप किस में स्वैपिंग करना चाहते हैं, बाइनेंस BUSDT में स्वैपिंग करना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कॉइन हैं, ठीक है, आप मैं तो भाई यहाँ पे आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ, आप इसको BUSDT में स्वैप कर लीजिए, वहीं से कॉइन आप बाय कर सकते हैं, ठीक है, मैं BUSDT में स्वैप कर लेता हूँ, मैं बाइनेंस BUSDT वही सेलेक्ट करना है जो कि बाइनेंस PEG BUSDT लिखा होगा, ठीक है, इसको ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए जो मेरा जो BNB है वो शो हो रहे हैं 0.0239, ठीक है, और यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ अमाउंट का यानी कि मैं यहाँ पे 75 यहाँ पे शो करता हूँ, तो कितने मंथ, हाँ मैं यहाँ पे 75% यहाँ पे BNB को स्वैप करूँगा, और यहाँ पे स्वैपिंग वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है, जो मेरे कॉइन है वो स्वैप हो जाएंगे। और यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि BNB के ऊपर आपको डॉलर बचा के रखने हैं, ताकि आपकी जो स्मार्ट चेन की जो फीस है, जो फीस जो हमारी कटती है वो स्मार्ट चेन से ही डिडक्ट होती है, कटती है, तो मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ, और जो हमारी फ़ीस है वहाँ फीस भी हमारी यहाँ पे शो होती है, जो नेटवर्क फ़ीस है, ठीक है, बस यहाँ पे मैं $1 कम कर लेता हूँ, 7 कर लेता हूँ, ठीक है, वैसे यहाँ पे कंफर्म के ऊपर आप क्लिक करते हैं, तो हमारा जो कॉइन है वो स्वैपिंग हो जाएगा, प्रोसेसिंग में चला गया है, तो कुछ ही समय में हमारा कुछ ही मिनटों में या कुछ ही सेकंड में स्वैप हो जाता है। तो हम चलते हैं वॉलेट के ऊपर, वहाँ पे देखते हैं हमारा जो कॉइन है वो स्वैपिंग हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा समय लगता है जी। देखिए गाइस हमारा जो कॉइन है वो स्वैपिंग हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास 7 BUSDT यहाँ पे शो करें। अब मेन प्रोसेस है इस कॉइन को हमको बाय कैसे करना है, करने के लिए आपको जो हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है, जैसे आपके पास इतना जो प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि आपके पास स्मार्ट चेन के ऊपर $3 बचे हैं, और आपके पास जो जितने भी डॉलर के आप कॉइन बाय करना चाहते हैं वो आपके पास हैं, उसके बाद आपको जो दो लाइन इसके ऊपर आपको क्लिक करना, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉइन मार्केट के ऊपर से बाइनेंस स्मार्ट चेन का एड्रेस कॉपी किया था BYBDOGI कॉइन का, उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास BYBDOGI कॉइन यहाँ पे ऐसे करके शो हो जाएगा, और आपको क्या करना है, यहाँ पे जो एरो है आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना, जो हमारा ऑन है वो ऑन हो जाएगा, और उसका वॉलेट के ऊपर आप क्लिक करते हैं, बैक आ जाना है, और देखिए हमारा जो जो कॉइन है यहाँ पर शो होने लगता है, ठीक है, यहाँ पर जो इंटरफेस है वो इस तरह से आपके पास जो कॉइन है वो शो हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, डैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, डैप के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पैनकेप स्वैप ऊपर जाना, आपको थोड़ा सा डाउन जाएंगे पॉपुलर की जो कैटेगरी है वहाँ पे पैनकेप स्वैप होगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपका इथेरियम का लोगो दिख रहा है तो आपको स्मार्ट चेन के ऊपर आपको सेलेक्ट कर लेना है,
और आपका वॉलेट डिसकनेक्ट दिख रहा है, आपको वॉलेट को कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मेरा वॉलेट बन चुका है। यहाँ पे अगर आपका कनेक्ट नहीं कनेक्ट लिख कर आ रहा है तो उसको आप क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे डिसकनेक्ट है, मैं डिसकनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब फर्स्ट टाइम आप इसमें स्वाइपिंग करेंगे तो आपके पास कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आपको कनेक्ट करना है। और यहाँ पे आप किस में बाय कर रहे हैं, कॉइन को, तो ट्रस्ट वॉलेट में बाय कर रहे हैं तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे स्मार्ट चेन है, अगर आपके पास इथेरियम शो करेगा तो आपको स्मार्ट चेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर स्मार्ट चेन ऑलरेडी है तो स्मार्ट चेन आपको रहने देना है। उसके बाद हम बात करते हैं इस कॉइन को बाय कैसे करना है। ठीक है गाइस, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ दोबारा से गाइस। इसलिए वीडियो लंबा हो रहा है क्योंकि मैं आपको पूरी तरह सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी नए पर्सन है उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है सीखने के लिए। हमें कॉइन को कैसे किस तरीके से बाय करना चाहते थे, BUSDT, हमने BUSDT में स्वैपिंग किया हुआ था। और आप इसको स्मार्ट चेन से भी, BNB से भी स्वैपिंग कर सकते थे, लेकिन मैं BUSDT से बाय करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं बाय करूँ BNB से। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इस वायर के ऊपर। अगर आप BNB से बाय करना चाहते हो उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं BNB से आपको बाय करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं इसके बाद आपको सिलेक्ट करेंसी के ऊपर आपको जो एरो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, और जो आपने एड्रेस कॉपी किया था इस एड्रेस को आपको पेस्ट करना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और आप कितना बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ, मैक्सिमम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। गाइस, बाय करने से पहले एक बात और ध्यान रखिए, जो यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो यहाँ पे 5% शो कर रहा है स्लिप एज, यहाँ पे 12% आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे 12% आपको सेलेक्ट कर देना है, 12। ठीक है, और उसके बाद आपको 12% सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्रॉस के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये क्रॉस का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप मैक्सिमम के ऊपर क्लिक करते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे गाइस शो हो रहा है स्लिपेज टॉलरेंस, यहाँ पे 12%। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जो अमाउंट है वो डाल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो अमाउंट मैं 0.003 से बाय करूँगा क्योंकि मेरी यहाँ पे फीस भी डिडक्ट होगी। और देखिए गाइस, यहाँ पे कितना ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन आ रहा है, यानी कि 21,000,000,10,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 00,000,000,10,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 00,
अभी मैं कॉइन बाय कर रहा हूँ तो मेरा 4000 करोड़ कॉइन आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा कॉइन है क्योंकि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है गाइस, ठीक है। और मैं स्वैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, कंफर्म स्वैप के ऊपर आपको क्लिक करना है दोबारा से, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सेप्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है, यह एक्सेप्ट का ऑप्शन है। फिर से आपको कंफर्म स्वैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, गाइस एक्चुअली मैं वो बाय नहीं हो रहा था, फीस मांग रहा था, तो मैं यहाँ पे मैं 0.001 कॉइन का मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ, ठीक है। स्वैप के ऊपर क्लिक करते हैं और एक बात आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे B2 होगा और B1 होगा, आपको यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे देखिए एक बात आपको ध्यान रखना, आपको B2 पे ऊपर आपको क्लिक करना है, B1 के ओल्ड के ऊपर आपको क्लिक नहीं रखना, ठीक है। आपको स्वैप के ऊपर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको कन्फर्म स्वैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि हमारे जो यहाँ पर ट्रांजैक्शन है वो आगे प्रोसेसिंग कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो फीस है, यहाँ पे 0.1554 डॉलर की यहाँ पे हमारी नेट फीस मतलब कि लग रही है, और यहाँ पे 1 डॉलर का ये कॉइन हमारे पास बाय हो रहा है। अप्रूव के ऊपर आपको क्लिक करना है गाइस, तो यहाँ पे जो कॉइन है हमारा वो यहाँ पे देखिए कि जो हमें ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन सबमिट हो चुकी है। और यहाँ पे व्यू ऑन स्कैन के ऊपर आप क्लिक करके वहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारा जो कॉइन है वो बाय हुआ है कि नहीं हुआ है। और मैं आपको टेस्ट वर्ल्ड के अंदर दिखाने वाला हूँ हमारे पास जो कॉइन आया वो कितना आया है।
देखिए कि हमारे पास जो कॉइन है वो बाय हो चुके हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपल सा आपके जैसे ट्रांजैक्शन सबमिट हो जाती है तो आपके जो कॉइन है वो बाय हो जाएंगे। जो मेरे पास जो कॉइन है वो शो कर रहे हैं, इतने कॉइन शो कर रहे हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,00,000, 10,00,00,000, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, यानी कि ठीक है फ्रेंड्स, मेरे पास इतने करोड़ कॉइन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कि आधे डॉलर का एक कॉइन बाय किया हुआ है, ठीक है। तो आप भी गाइस इस तरह एक कॉइन को बाय कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका। वीडियो गाइस काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पे प्राइस इसका अभी 509% की ग्रोथ दिखा रहा है। हो सकता है आपकी इसकी पर वीक इसकी बर्निंग हुई तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा आपको पंप होने को दिख सकता है, ठीक है गाइस। तो वीडियो को अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।